नमस्कार, सत्यनगर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुख करते हैं खबर की ओर। भूपेश सरकार ने शराबबंदी को लेकर एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में शराबबंदी के लिए सरकार ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया है और इस कमेटी में कांग्रेस के सपा बसपा के विधायक भी शामिल है। ये कमेटी राज्यों का दौरा कर शराबबंदी पर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि इस कमेटी में बीजेपी के किसी भी विधायक का नाम शामिल नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई नाम नहीं भेजा गया था। मंत्री शिव डहरिया ने शराबबंदी को लेकर कहा है कि इसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी नाम मांगे थे, उसमें सुझाव दें, लेकिन उन लोगों ने कोई भी नाम प्रस्तावित नहीं किया। निश्चित रूप से कमेटी बनी है। हमने तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी नाम मांगे थे कि उसमें अपने सुझाव दें, लेकिन उन लोगों ने कोई नाम प्रस्तावित ही नहीं किया। तो हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और आगे कार्यवाही करेगी। आपने कब कमेटी में सत्ता कांग्रेस के मेंबर भी शामिल हैं? निश्चित रूप से इसमें तो सभी पार्टी के लोगों को शामिल रहना चाहिए। जिन लोगों जो हमने सभी पार्टियों को लिखा था सरकार ने कि अपने इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं, उन लोगों के नाम भेज दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बाकी लोगों के नाम आए थे उनको शामिल किया।